हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं प्रणव, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज है 16 जून और यूट्यूब का एक और नया अपडेट आ चुका है गाइस। इस बार तो सही में बहुत ज़्यादा सारे यूट्यूबर्स परेशान हैं कि भाई इस बार यूट्यूब इतने सारे अपडेट क्यों दे रहा है, बार बार अपडेट दे पड़ा है। ठीक है, अब इन ये तीन अपडेट्स क्या हैं गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं और खास करके हमारे जो बिगिनर्स हैं उनके लिए या फिर जो यूट्यूब में अपना थोड़ा समय बिता चुके हैं उन लोगों के लिए जो ये तीन अपडेट हैं ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए इन तीन अपडेट की बात कर लेते हैं। और बात करने से पहले गाइस, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार गाइस। ठीक है, और घंटे वाले आइकन को ऑल पे सेट कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। और गाइस चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है गाइस, और सबसे पहला अपडेट के बारे में बात बताऊँ तो गाइस, आप मेरी वीडियो अभी देख रहे हो, मेरी वीडियो में जब आप उसको हाफ स्क्रीन मोड में देखोगे तो आपको यहाँ पे नीचे लाइक वाला बटन की जो एल्बम दिखती है वहाँ पे आपको एक क्रिएट का ऑप्शन भी दिखेगा। अब उस क्रिएट के ऑप्शन से मतलब क्या तात्पर्य, मतलब उससे ये तात्पर्य कि आपकी जो वीडियो है उसको कोई और इंसान इस्तेमाल कर सकता है या फिर उस वीडियो का ऑडियो को इंसान इस्तेमाल कर सकता है अपने चैनल पे कोई शॉर्ट अपलोड करने के लिए। मान लीजिए मैंने कोई गाना गाया और उस गाने को अपने चैनल पे पब्लिक करा, पब्लिक करने के बाद में अगर मैं ये वाला ऑप्शन जो है इनेबल रखता हूँ तो मेरा कोई भी जो व्यूअर है वो मेरे सॉन्ग को अपने शॉर्ट में यूज़ कर सकता है गाइस। ये सबसे पहला अपडेट है जो कि आप अपने जो है यूट्यूब स्टूडियो कर सकते हो, और कैसे कर सकते हो ये मैं आपको अभी बताता हूँ। तो गाइस अभी जो फीचर है ना इसका नाम है शॉर्ट सैम्पलिंग। अब आपको ये कैसे अब आप इसे इनेबल और डिसेबल कर सकते हो ये मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको सबसे पहले अपना यूट्यूब स्टूडियो ओपन कर लेना है, जैसे कि मैंने ओपन कर रखा है। अब क्या करोगे आप लोग, अब यहाँ पे आपको देखोगे मेरी वीडियोस। तो गाइस अगर मैं इन वीडियोस को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं मान लो सारी वीडियोस को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेलेक्ट कर लेने के बाद में यहाँ पे जो एडिट वाला ऑप्शन दिख रहा है मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे नीचे शॉर्ट सैम्पलिंग दिख रहा होगा गाइस, लास्ट थर्ड ऑप्शन है शॉर्ट सैम्पलिंग। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं गाइस देखिए ये ऑप्शन आ रहा है अलाउ सैम्पलिंग और डोंट अलाउ सैम्पलिंग। मतलब अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी वीडियो के ऑडियो से कोई इंसान शॉर्ट्स बनाए तो आप लोग यहाँ पे अलाउ सैम्पलिंग पे क्लिक कर सकते हो, और अगर आप लोग नहीं चाहते हो तो आप लोग डोंट अलाउ सैम्पलिंग पे क्लिक कर सकते हो। सो गाइस ये था हमारा जो पहला अपडेट। ठीक है गाइस, तो ऐसे तो आपने वो कर लिया कि आपको शॉर्ट में वगैरह कैसे लगाना है। अब क्या है मेन चीज़ जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए गाइस, अगर आप लोग अपने चैनल पे कोई भी किसी का भी वीडियो कॉपी करके एज इट इज उठा के डाल देते हो, अगर आप उसमें हल्की सी भी एडिटिंग करते हो, मैं कहता हूँ आपने किसी और का वीडियो अपने चैनल पे लाके अपलोड कर दिया, तो और अगर आप लोगों ने उस वीडियो का तो अनलिस्टेड रखा है या फिर प्राइवेट रखा है तो आप लोग सोच रहे हो कि यार गाइस यूट्यूब की नज़र में तो ये वीडियो आएगा ही नहीं और यूट्यूब इस पर ना तो कॉपी स्ट्राइक डाल सकता है ना ही हमारा चैनल टर्मिनेट होगा। तो गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है, यूट्यूब ने आज ही से ये रूल लागू कर दिया है कि वो अब हर वीडियो को दिखाएगा, चाहे वो वीडियो कैसे अपलोड, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो अनलिस्टेड, या फिर कोई भी वीडियो, कोई प्रीमियर, कोई लाइव, कुछ भी हो, यूट्यूब हर एक वीडियो को चेक करेगा और अपने जो चेक्स है वो हर वीडियो पर लगाएगा। तो गाइस ये था दूसरा अपडेट। और अब तीसरा अपडेट क्या है गाइस, ये तीसरा अपडेट कहूँ या फिर तीसरा जो है अर्ली एक्सेस है यूट्यूब के लिए। जैसे कि मान लीजिए हम लोग जो है शॉर्ट्स अपलोड करते हैं या फिर कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं, गाइस उस वीडियो के एनालिटिक्स को देखने के लिए हम लोगों को जाना होता है यूट्यूब स्टूडियो पर। लेकिन गाइस अब ऐसा नहीं है, अब जो है यूट्यूब ऐसा मतलब मैं कहूँ एक ऐसा फीचर लेके आएगा अपने यूट्यूब एप्लीकेशन पे, जब जिसमें कि आप लोग अपने जो यूट्यूब शॉर्ट्स हैं उनका एनालिटिक्स देख सकते हो अपने यूट्यूब एप्लीकेशन के ऊपर ही। सो गाइस आई होप कि आप लोगों को ये तीनों अपडेट्स बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और यार 300 सब्सक्राइब कराने में हेल्प करो, आई थिंक 40 रह गए, 260 हो गए हैं। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्यून्ड @ हेलीटेक अनबॉक्स। बाय बाय।